बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। परम पूज्य सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की जय। आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक मेरे जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत परम पूज्य सदगुरुदेव जी, पूजनीय संत समाज, सम्मान्य सत्संग प्रेमी सज्जनों, ममतामयी माताओं, अभी हम सब जीवन के बारे में सुन रहे थे। जिस प्रकार से आदमी अपने घर परिवार सोचता है, आदमी मकान अच्छी हो, गाड़ी अच्छी हो, अनेक प्रकार की चीज़ों की कल्पना करता है। क्या हम कभी कल्पना करते हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? आदमी बाहर की चीज़ों को सजाते सजाते आदमी की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन आदमी अपने जीवन को नहीं समझ पाते हैं। सुन रहे थे साकी सदगुरु कबीर साहब की, शकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाड़ी के हंस गौन चली आओ। हमारे अंदर जो दुर्बुद्धि है उन्हें हमें त्याग करना चाहिए। कुबुद्धि और सुबुद्धि, आदमी की अगर बुद्धि सही हो जाए तो आदमी कभी गलत कर ही नहीं सकता है। हमारी अगर बुद्धि सही हो जाए तो क्या हम शराब पिएंगे? अगर हमारी बुद्धि अगर सही हो जाए तो क्या हम तंबाकू खाएंगे? क्या हमारी बुद्धि सही हो जाए तो सास और बहू में लड़ाई होगी, पिता पुत्र में लड़ाई होगी? अगर हमारी बुद्धि सही हो जाए तो क्या इतने हम अपने जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं, हम अपने जीवन को संतों से नहीं जोड़ पाते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि सही नहीं है? साहब कहते सकलो दुर्मति दूर करो, जिस दिन हमारी बुद्धि सही हो जाए तो यह आपकी बुद्धि को ठीक करने के लिए ही 3 दिनों का सत्संग रखा गया है। आप यहाँ आदमी का घर ही खराब हो जाए तो आदमी को कहीं, उनकी दुकान है, आदमी ठीक करते हैं दुकानों में घड़ी ले जाकर, लेकिन आदमी की बुद्धि अगर खराब हो जाए तो वो कहाँ ठीक होगा? वो संत और गुरुजन के ही शरण में अपनी बुद्धि को ठीक कर सकता है। आदमी सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। आदमी अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पाता है। आदमी कपड़े पहनते हैं, उनके पास खाने पीने की चीजें हैं, लेकिन आदमी अपने जीवन से दुखी है, क्योंकि अपने जीवन को सुंदर नहीं बना पाते हैं। आदमी सोचते हमारा चेहरा सुंदर हो, घर सुंदर हो, आदमी सोचता है मेरी पत्नी सुंदर हो, एक युवती सोचती है मेरी दूल्हा बाबू ठीक हो, लेकिन आदमी अपने जीवन को कभी कल्पना नहीं करता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। हमारा जीवन सुंदर होना चाहिए। जिस दिन हमारा जीवन सुंदर हो जाए तो हमें भले हमारा घर मकान सुंदर न हो, लेकिन हमारा जीवन सुंदर होना चाहिए। मुझे एक कहानी याद आती है। एक बार एक युवक एक फोटोग्राफर के पास गया और फोटोग्राफर से कहा कि भाई मैं अपना फोटो खिंचाना चाहता हूँ और दुनिया की सबसे अच्छी फोटो होना चाहिए, जितना पैसा लगे तुम चिंता मत करना, तुम पैसे की चिंता मत करना। वो लड़का कभी दर्पण के सामने जाता, अपने चेहरे को पोछता, बाल को संवारता, ऐसे करते करते बहुत देर हो गया। फोटोग्राफर ने फोटो खींचा और कहा, देखो भाई, आज तक मैंने दुनिया में ऐसा फोटो कभी नहीं खींचा, बहुत बढ़िया तुम्हारा तस्वीर आया है। उस युवक ने कहा कि तुम पैसे की चिंता मत करना, मैं तुम्हें पैसे जरूर दूंगा और फोटो बढ़िया होना चाहिए। मेरे मन में एक कल्पना हुई, जिस प्रकार से आदमी वो बाल को संवारता, चेहरे को संवारता, उसी प्रकार से शायद हम अपने जीवन को सजाते, अपने आप को संवारते तो हम दुखों से पार हो जाते। जो हमारी उम्र बढ़ती है, उम्र के हिसाब से हमें समझदारी बढ़ने चाहिए, विवेक बढ़ना चाहिए, वैराग बढ़ना चाहिए, लेकिन जो जो हमारी उम्र बढ़ती है, उम्र के हिसाब से हमारे अंदर शिकवा शिकायत, राग द्वेष और प्रपंच की बातें हमारे जीवन में भर पड़ी रहती है। हम अपने जीवन से उदास हो जाते हैं, हम अपने जीवन से निराश हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन को सुंदर नहीं बना पाते हैं। जिस दिन हमारा जीवन सुंदर बन जाए,
जाएगा, उस दिन हमें दुनिया में कभी दुख का अनुभव नहीं होगा, सुख का ही अनुभव होगा। हम अपने जीवन को सुंदर बनाए, जिस दिन हमारा जीवन सुंदर होगा तो दुनिया की कोई भी व्यक्ति हमें दुख नहीं पहुंचा सकता है। उम्र के हिसाब से हमें विवेक वैराग बढ़ना चाहिए, राग और द्वेष घटना चाहिए, प्रेम बढ़ना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, पिता पुत्र के प्रति, सास बहू में, देवरान जेठान में, चाहे जो भी व्यक्ति हो, उम्र के हिसाब से प्रेम बढ़ना चाहिए। लेकिन जो जो हमारी उम्र बढ़ती है, उम्र के हिसाब से राग द्वेष प्रपंच, क्योंकि हम अपने जीवन को सुंदर नहीं बनाए हैं। जो रहे करवा सो निकरे टोटी, जो आप अपने पात्र में भरेंगे आपको वही लौट कर मिलेगा। जब आप अपने जीवन को बचपन में ही संभाल लेंगे तो आगे भी आपको सुख मिलेगा। अगर आपकी बचपन में दुख है तो आगे भी आपको दुख मिलेगी, क्योंकि आपने अपने जीवन को सुंदर नहीं बनाए। आप तो घर मकान दुनिया की सारी चीजों को सुंदर बनाना चाहे, लेकिन आप अपने जीवन को सुंदर नहीं बना पाए। जिस दिन आपका जीवन सुंदर होगा, हमें जिस दिन अपने जीवन से प्रेम होगा, उस दिन हम कभी गलत कर ही नहीं सकते हैं। जिस दिन हमारा जीवन, जो व्यक्ति अपने जीवन से प्रेम करेगा वो कभी गलत खा ही नहीं सकता है, कभी गलत बोल ही नहीं सकता है, कभी गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकता है। जिसको जीवन से प्रेम होगा क्या वो कभी शराब पिएगा? क्या जिसको जीवन से प्रेम होगा क्या वो दुर्व्यसन करेगा? जिनको जीवन से प्रेम होगा क्या वो अनेक प्रकार की दुर्व्यसनों में फंसेंगे? तंबाकू खाएंगे, बीड़ी पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, झूठ बोलेंगे, लड़ाई करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अपने जीवन से प्रेम नहीं है, अपने आप से प्रेम नहीं है। जिस दिन हमें अपने आप से प्रेम करेंगे तो हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकते हैं। हम अपने जीवन से प्रेम करें, अपने आप से प्रेम करें तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। अगर हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बनेंगे तो दुनिया को भी बदल सकते हैं। जो गुण, जो संस्कार हम लोगों में देखना चाहते हैं वो हमारे अंदर आ जाए, हम अपने जीवन को जीवन में उतार ले, हम अपने जीवन को सुंदर बना ले गुलाब की फूलों की तरह। हर आदमी गुलाब की फूलों को पसंद करता है, लेकिन हम गुलाब की तरह होना नहीं चाहते हैं। हम जब तक जीवन जीते हैं कांटे कांटे बटोरते हैं, हम कांटे को निकाल कर फेंक दे, हम अपने जीवन को गुलाब की तरह बनाए। गुलाब की फूल हर आदमी को पसंद है, हम अपने जीवन पौधे की भांति बना लेंगे तो हमारे जीवन से दुख दूर हो जाएगा, सुख और शांति की अनुभूति होगी। तो मैं अधिक न कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय। साहेब जैसी कहे करे।